ये स्टूडेंट जो चीज में एक्सप्लेन कर रहा था उसको दोबारा देखें कि अगर पिछले सालों में कोई प्रॉफिट होता है आपको, कोई भी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ क्लोज होता है उसमें? जब नेट प्रॉफिट होता है तो अल्टीमेटली क्लोज होता है रिटेन्ड अर्निंग। अब पिछले साल में एक एरर होती है, हमें अब आइडेंटिफाई हो रहा है एरर हुई थी, उस एरर की वजह से यकीनन या ये नेट प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ होगा या अंडरस्टेट। तो अब उसका इफेक्ट मैंने क्लोज करना है सिंपल रिटेन्ड अर्निंग में। तो ये वर्किंग जरा आपने केयरफुली देखनी है, वर्किंग वन। वर्किंग वन में मैंने करना क्या है? एमोर्टाइजेशन दैट शुड बी रिकॉर्डेड, यानी जो होनी चाहिए थी, एंड डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन दैट हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, इसका जो डिफरेंस होगा वो या अंडरस्टेटमेंट होगी या ओवरस्टेटमेंट होगी। ये कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, वो जरा ध्यान से देखना है। अब देखिएगा इसमें एक एक करके लूंगा, पहले मैं लेता हूं प्रोडक्ट ए ताकि इजिली समझ आ जाए, मैं दोनों कंबाइन नहीं ले रहा। अब मैं पहले लिख रहा हूं एमोर्टाइजेशन शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड, कि मुझे कितनी एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा एमोर्टाइजेशन एक्चुअली रिकॉर्डेड, एक्चुअली रिकॉर्डेड, जो एक्चुअल रिकॉर्ड की। ये दोनों जब कैलकुलेट करूंगा उसका इफेक्ट देख लूंगा कि प्रॉफिट में इफेक्ट क्या गया। अब मैं लिखूंगा इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रॉफिट। ये ए की वर्किंग है, सेम इसी तरह बी की वर्किंग करेंगे। अब जरा आइएगा एमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन, जो रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन के मुताबिक वो कहते हैं एमोर्टाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 31 दिसंबर 2012 पिछला साल एंड तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2012 का रेवेन्यू जो है अप टू 31 दिसंबर 2012 उसने दिया हुआ 11,200, 11,200। फिर आपने देखना है 2013 में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, हुआ है 2013 में। उमर अब्बासी उसको क्लोज करें, 2013 में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 1600 का है, और जो रिमेनिंग पीरियड है इन फ्यूचर यानी 2013 के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, एस्टिमेट क्या है 3200। इसका मतलब ओवर द लाइफ जो रेवेन्यू होगा इसका वो पहले टोटल कर लो, 16,000। ठीक है जी, अब एमोर्टाइजेशन देखें जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो कितनी है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरी एसेट की कॉस्ट क्या है, जो ब्रांड प्रोडक्ट ए है उसकी जो कॉस्ट है एक्विजिशन कॉस्ट वो 37.50 मिलियन है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैं 31 दिसंबर 2012 तक की अमोर्टाइजेशन निकाल रहा हूं पिछले सालों की, 11,200 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 16,000, यानी इतनी अमोर्टाइजेशन मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। अब इसको कैलकुलेट करें, 37.5 × 11,200 डिवाइडेड बाय 16,000 व्हिच इज 26.25, यानी ये अमोर्टाइजेशन मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। ये मैं यहां ले आता हूं, ये प्रोडक्ट ए पे। अब कितनी अमोर्टाइजेशन एक्चुअल रिकॉर्ड की है, एक्चुअल अमोर्टाइजेशन वो ये कहते हैं जी एक्चुअल अमोर्टाइजेशन वाज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। तो इसका मतलब है कि उसने कितनी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर दी वो भी देख लेते हैं। इसकी लाइफ जो डिटरमिन की थी वो 15 ईयर्स थी, और 1 जनवरी 2011 को बाय किया है। इसका मतलब जनवरी का जनवरी से लेकर दिसंबर 31 दिसंबर 2011 तक पूरा एक साल, और 12 तक 2 ईयर्स, यानी इट मींस के सिर्फ 2 साल एक गलती है आपने, मतलब कॉस्ट ए के लिए है और ये रेवेन्यू मैंने बी का उठा लिया। ठीक है,
चले इसको क्रैक कर लेते हैं, ये लिखा रहे एक के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये वाली हिस्सा हम काट देंगे, ठीक है ये लिखा रहे इसका कोई मसला, ये बी में काम आ जाएगा, मैं इसलिए रुक गया था। अब रेवेन्यू दोबारा लिखते हैं, यहां पर ए का लिख लेते हैं, ये बी था ना ए का, कि ए का रेवेन्यू जो अब तक रिकॉर्ड हो चुका है वो 800 है, जो इस साल का आप एस्टिमेट लगा रहे हो वो 600 है, और फ्यूचर ईयर्स का जो है वो 6100 है, इसको आप टोटल कर लेते हैं 7500। अब एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे, एमोर्टाइजेशन शुड बी कितनी होनी चाहिए थी, तो इसकी कॉस्ट क्या है वही 37.50, ये हमने ठीक ली थी, मल्टीप्लाई। अब देखिए अब मैं 800 लूंगा क्योंकि 31st दिसंबर 2012 की कैलकुलेशन कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय टोटल 7500। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 37.5 इनटू 800 डिवाइडेड बाय 7500 व्हिच इज इक्वल टू 4, यानी 4 मिलियन की एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ये इसको काट दीजिएगा, यहाँ 4 मिलियन करेक्ट वैल्यू लिखे। अब एक्चुअल एमोर्टाइजेशन आए, एक्चुअल एमोर्टाइजेशन कितनी बनती है, एक्चुअल एमोर्टाइजेशन जो उसने रिकॉर्ड की है, समझ ले ये वो है एक्चुअल जो रिकॉर्ड हो चुकी है, एक्चुअल रिकॉर्डेड। तो 1st जनवरी 2011 को आपने ये ब्रांच बाय किया था, तो 11 पूरा साल और 12 पूरा साल, दो साल हो चुके हैं, इसका मतलब दो साल की एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, मल्टीप्लाई 2 बाय एक्युमुलेटेड एमोर्टाइजेशन, यूजफुल लाइफ 15 इयर्स है, 2 बाय 15, अगर इसको कैलकुलेट करें 37.5 इनटू 2 बाय 15 दैट इज 5 मिलियन, जो आप एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर चुके हो वो 5 मिलियन है, ये 5 मिलियन की एमोर्टाइजेशन आ गई। तो अब इट मींस वेरी सिंपल, 1 मिलियन की जो एमोर्टाइजेशन है वो ओवरस्टेट हुई हुई है, इसको मैं लिखूंगा एमोर्टाइजेशन ओवरस्टेटेड, एमोर्टाइजेशन ओवरस्टेटेड, ये हमारी 1 मिलियन से ओवरस्टेट हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ अभी मैंने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट ए का। अब मैं प्रोडक्ट बी का कैलकुलेट करता हूं, इसके लिए अलहदा से इसी तरह वर्किंग बना लेते हैं, वैसे तो आप जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसी को दो कॉलम में यूज कर लें। तो प्रोडक्ट बी, अब सेम इसी तरह मैं ये पहले टेबल बनाऊंगा, एमोर्टाइजेशन शुड बी रिकॉर्डेड, यानी कितनी एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, शुड बी का वर्ड सिर्फ लिख देता हूं। अच्छा, और दूसरा मुझे चाहिए एमोर्टाइजेशन एक्चुअल जो आपने रिकॉर्ड की है, एक्चुअली जो हुई है, इन दोनों का डिफरेंस, ये अंडर स्टेटमेंट होगी या ओवर स्टेटमेंट। अब ये दूसरी कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं सेम इसी तरीके से, और इसका एक हिस्सा हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब एमोर्टाइजेशन जो है जो शुड बी है वो कैलकुलेट करेंगे, जो रिकॉर्ड होनी चाहिए बुक्स में जी, ये एसेट आपने कितने में बाय किया है, प्रोडक्ट बी ये हमने 36 मिलियन में बाय किया है, इनटू इस पे एमोर्टाइजेशन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो 11,200 डिवाइडेड बाय 16,000, ये तो पहले कैलकुलेशन की थी, क्योंकि 11,200 का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं 31st दिसंबर 2012 तक, और अभी मैं 2012 तक की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 36 × 11,200 डिवाइडेड बाय 16,000 तो 25.2 मिलियन, ये एमोर्टाइजेशन मेरी रिकॉर्ड होनी चाहिए। Excuse me, sir. जी जी। ये स्टेप मुझे समझ नहीं आ रहा, amortization should be recorded and actual recorded means multiplier and divide. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि पिछले सालों में जब से आपने एसेट खरीदा है, और पिछले साल तक, इस साल को छोड़ देना अभी आपने, पिछले साल तक क्योंकि मेरा करंट ईयर 2013 है, 31st दिसंबर 2012 तक डेप्रिसिएशन जो एमोर्टाइजेशन है ये पॉलिसी के मुताबिक आपने कैलकुलेट नहीं की थी, गलत कैलकुलेट की थी, हमारी पॉलिसी क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखी हुई है कि एमोर्टाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर,
तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की बेस पे होनी चाहिए, जबकि वो कहता है कि उसने गलती से यूजफुल लाइफ पे आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी अमोर्टाइजेशन मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी पिछले सालों में और कितनी एक्चुअल रिकॉर्ड थी। अब ये जो एक की कैलकुलेशन है, अब देखिएगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट की, शुड बी देखिए अमोर्टाइजेशन जो है पिछले सालों तक रेवेन्यू जनरेट हुआ था 800 और ओवरऑल रेवेन्यू जो है जनरेट होगा 7500, तो इसका प्रोपोर्शन ले लेंगे और प्रोपोर्शन लेके अमोर्टाइजेशन निकाल लेंगे। तो ये अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड एक्चुअली होनी चाहिए थी, मगर आपने कितनी रिकॉर्ड की यूजफुल लाइफ की बेसिस पर। लाइफ इसकी 15 साल क्वेश्चन में दी हुई है और 2 साल गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब 2 साल की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो सिंपल, आप पिछले सालों को करेक्शन करना चाहते हैं तो पहले ये तो कैलकुलेट कर लेंगे हम कि पिछले सालों में हुई क्या है, एरर हुई कितनी है, ठीक है। तो इसी तरह प्रोडक्ट बी को दोबारा देख लें और दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं। अब प्रोडक्ट बी जो है इसकी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करना गलत नहीं है, गलत क्या है कि अमोर्टाइजेशन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी पिछले सालों में वो बेस करनी चाहिए थी रेवेन्यू पर। अब देखो बी का रेवेन्यू ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,200 का रेवेन्यू पिछले साल तक जनरेट कर चुके थे और ओवरऑल इसका रेवेन्यू 16,000 है। तो लिहाजा इसका प्रोपोर्शन लिया मैंने और इसका कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ये अमोर्टाइजेशन मेरी एक्चुअल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। लेकिन अब उसने रिकॉर्ड कितनी की, एक्चुअल कितनी रिकॉर्ड हुई वो देख लेते हैं। उसने रिकॉर्ड की यूजफुल लाइफ पे, तो कितनी यूजफुल लाइफ डिटरमिन की थी, क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन में कहते हैं पेटेंट की लाइफ जो है प्रोडक्ट बी की 18 years, इसका मतलब इसको 18 पे डिवाइड किया और कितने साल गुजर चुके हैं। ये आपने बाय किया था 1 जुलाई 1998 को, ये डेट मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। 1 जुलाई 1998 से लेकर आपने काउंट करना है 31 दिसंबर 2012 तक। तो अगर आप देखें तो 19 अभी छोड़ दें क्योंकि हाफ ईयर है, 99 और 2000 टू ईयर्स यहां से हो गए और 12 ईयर ये, तो 14 ईयर्स और हाफ ईयर साथ ऐड कर दो इसके साथ, तो 14.5 ईयर्स गुजर चुके हैं। इसका मतलब जो मैं अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर चुका हूं वो ये वाली अमाउंट है जो अभी कैलकुलेट होगी, 36 × 14.5 / 18, 29 की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, 29 की। तो अब यहां पर भी देखो तो अमोर्टाइजेशन क्या हो रही है, ओवरस्टेट। कितनी अमाउंट से ओवरस्टेट हो रही है, 3.80 से। आप जरा ये याद रखिएगा कि आपके जो प्रोडक्ट ए है इस पे अमोर्टाइजेशन ओवरस्टेट हुई है 1 million की और प्रोडक्ट बी की अमोर्टाइजेशन ओवरस्टेट हुई है 3.8 million की। इससे मुझे आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, टोटल अमोर्टाइजेशन जो ओवरस्टेट हुई है वो मैं कह सकता हूँ 4.80, इससे पिछले सालों पे क्या इफेक्ट आया था। अब मैं क्या करूं, एनी स्टूडेंट, सर रिटेन्ड प्रॉफिट बढ़ाएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अब मैं अगर इसको और एलेबोरेट कर दूं तो पिछले सालों की अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होता है ना, मैंने अब मैं इसको वर्ड एक्सपेंस यूज कर रहा हूँ, पिछले सालों में एक्सपेंस 4.80 से मैं ज्यादा रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब मुझे 4.80 से एक्सपेंस कम करना है, जब एक्सपेंस कम करूंगा तो नेचुरली पिछले सालों का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट चूंकि क्लोज हो चुका है रिटेन्ड अर्निंग में, तो मैं इसका इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाऊंगा। इन वेरी सिंपल वर्ड, रिटेन्ड अर्निंग मेरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्री जब मैं बनाऊंगा तो डेबिट क्या होगा, जरा डेबिट की तरफ आते हैं। एक्युमुलेटेड, क्योंकि अमोर्टाइजेशन ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है, एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को मैं डेबिट करूंगा। एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अब अगर ये ओवरस्टेट हो गया तो यकीनन मैं इसको डेबिट करूंगा, कितनी अमाउंट से, 4.80 से। लेकिन दूसरी तरफ पिछले सालों के प्रॉफिट मैंने इंक्रीज करने, तो लिहाजा उसका इफेक्ट सीधा ले जाऊंगा रिटेन्ड अर्निंग्स। इस क्वेश्चन के अंदर जो मेजर इश्यू था वो ये था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का दिया हुआ,
अब ये एंट्री पास हो चुकी है, याद रखिएगा ये पिछले सालों के प्रॉफिट मेरे करेक्ट हो चुके हैं, अब आइएगा इस साल में, इस साल में अब मैंने करना क्या, कौन सी एंट्री होगी, अब मुझे इस साल की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी, सिर्फ इस साल की अमोर्टाइजेशन, तो वो तो इजीली निकल आएगी। अमोर्टाइजेशन की एंट्री मैं अभी पास कर लूंगा। अमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या होती है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, जैसे डेप्रिसिएशन की करते हो, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की भी यही एंट्री आप पास करते हो, सिर्फ वर्ड डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, अब मैंने उसको रिप्लेस कर दिया अमोर्टाइजेशन में, तो यकीनन ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैं इस साल की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ इस साल की, एंड नाउ इट इज इजियर। और इस साल की अमोर्टाइजेशन किस पर रिकॉर्ड होगी, पॉलिसी पर, पॉलिसी मेरा रेवेन्यू है, तो रिकॉर्ड करते हैं जी, दो एसेट है मेरे पास, इस वर्किंग को यहां लाता हूं मैं जी, यहां पर हम कैलकुलेट कर देते हैं, इनफ है मेरे पास ये स्पेस, यहां ये वर्किंग टू कर लेंगे। ये पहले प्रोडक्ट ए की अमोर्टाइजेशन निकालिएगा, प्रोडक्ट ए में इस साल का रेवेन्यू कितना है, ये मैं सर्कल लगा रहा हूं 600। कॉस्ट हमारे पास ए की कितनी है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए जो है उसकी कॉस्ट है 37.5, तो मैं लिखूंगा 37.5 इनटू 600 डिवाइडेड बाय सम, टोटल कितना रेवेन्यू 7500। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करें, 37.5 इनटू 600 डिवाइडेड बाय 7500, तो इस साल की अमोर्टाइजेशन प्रोडक्ट ए पर या ब्रांड ए पर 3 मिलियन बन रही है। अब इसी तरह बी को देखते हैं, बी की जो कॉस्ट है वो 36 मिलियन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये देखो यहाँ देखें, ये 36 मिलियन। अब यहाँ पर इस साल इसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, 1600 अगेंस्ट 16,000, तो मल्टीप्लाई 1600 डिवाइडेड बाय 16,000। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 3.6 बन रहा है, 36 into 1600 divided by 16,000, yes 3.6 million. अब इसका मतलब total amortization जो इस साल की है वो 6.60 है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री पास कर दें, ये तो करंट एंट्री है, इसका पिछले साल से कोई अलग नहीं है, 6.60। अब आखिर में, अब आपने देखना है कि कोई एसेट इंपेयर तो नहीं हो रहा, कोई ब्रांड जो है वो इंपेयर तो नहीं हो रहा। अब इंपेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी है, मैं यही बना लेता हूँ इसकी कैलकुलेशन, फिर एंट्री कहीं और कर लेंगे। वर्किंग थ्री जी, अमोर्टाइजेशन के लिए मुझे ब्रांड ए और ब्रांड बी की कैरिंग वैल्यू चाहिए, और कैरिंग वैल्यू हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, ए की कैरिंग वैल्यू के लिए मुझे पहले चाहिए कॉस्ट, ए कितने में खरीदा था 37.50 में, बी कितने में बाय किया था 36 मिलियन में, कितनी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो चुकी है वो लेस कर दें, एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पहले मैं लूंगा टिल 2012। अब कौन सी अमोर्टाइजेशन लेनी है 2012 की, मैं तो दो दो कैलकुलेट कर चुका हूं, एक अमोर्टाइजेशन शुड बी एक एक्चुअल रिकॉर्डेड, यकीनन अब तो करेक्ट हो चुका है, तो मैं यही लूंगा जो अमोर्टाइजेशन मेरी रिकॉर्ड हो चुकी है ए पर मेरी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, सॉरी जो मैंने करनी है वो 4 मिलियन जो होनी चाहिए थी, जो मैंने करेक्ट कर दी हुई है, तो अब जब करेक्ट कर दिया तो मैं कह सकता हूँ कि 4 मिलियन की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हुई है, और बी पर मेरी अमोर्टाइजेशन जो 2012 पर रिकॉर्ड हुई है वो देखिएगा वो 25.20 है, वो 25.20 लेस की, फिर इसी तरह इस साल की अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे ताकि कैरिंग अमाउंट आ जाए, 2013 की ये वर्किंग टू में हमने निकाली है, यहां पर आएगी 3 मिलियन और यहां आएगी 3.6 मिलियन। जब इनको लेस करता हूं तो ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ चुकी है, अब कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें, 37.5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 30.50। ठीक है जी, अब इसको मैं यहां पर लेकर आ जाऊंगा और इसको कैलकुलेट करें,
36 minus 25.2 minus 3.6, that is 7.2. तो मैं कैरिंग वैल्यू यहां दोबारा लिख रहा हूं, ए की कैरिंग अमाउंट आई है 30.50, बी की कैरिंग अमाउंट आई है 7.20. अब मुझे रिकवरेबल अमाउंट चाहिए. रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है. आप देख सकते हो 31st दिसंबर 2013 को प्रोडक्ट ए की रिकवरेबल अमाउंट 35 मिलियन है और बी की रिकवरेबल अमाउंट 5 मिलियन है. अब देखते हैं कि इसमें इंपेयरमेंट कितनी हो रही है. रूल क्या पड़ा था कि व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, यहां कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, देयर इज नो इंपेयरमेंट. लेकिन बी को देखें, बी की कैरिंग अमाउंट 7.20 ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट 5 से, तो 2.20 जो है वो मेरी इंपेयरमेंट लॉस होगा. अब इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री मैं रिकॉर्ड करता हूं, वो यहीं पे कर लेते हैं. इसकी एंट्री क्या होगी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट. असल में एक ही हेड होता है, अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट लॉस, एक्युमुलेटेड में इकट्ठा भी कर सकते हैं इसको. ये 2.20 से मैंने लॉस रिकॉर्ड कर. एक्सक्यूज मी सर, ये वर्किंग थ्री काइंडली दोबारा से रिपीट कर दे. मैं वर्किंग थ्री में दोबारा बता देता हूँ. देखिए, अगर वर्किंग थ्री में बेसिक हमने करना क्या है, ऑब्वियसली इंपेयरमेंट कैलकुलेट करनी है. इंपेयरमेंट के लिए रूल ये है, मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए. तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, जब से एसेट खरीदा है उस वक्त से लेकर आज तक जितनी अमोर्टाइजेशन हुई है वो लेस कर दो तो मेरी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी. तो जरा ए के पॉइंट से देखें, तो ए आपने बाय किया था 37.5 में और ये बाय किया था आपने ऑब्वियसली 2011 में. तो मुझे कितने सालों की अमोर्टाइजेशन चाहिए, 11 से लेकर 13 तक, क्योंकि 11 और 12 तक हम अलहदा निकाल चुके हैं. ये देखिएगा 4 मिलियन, ये 4 मिलियन वो लेस किया, फिर 13 की अलहदा निकाली है, ये 3 मिलियन, ये 3 मिलियन यहाँ से लेस किया, तो ये कैरिंग वैल्यू आ गई. सेम इसी तरह बी की तरफ आएंगे, तो बी आपने एक्वायर किया 36 मिलियन का. अब बी एक्वायर किया 98 में, ये देखो लिखा भी हुआ 98, यानी 14.5 इयर्स गुजर चुके हैं 31st दिसंबर 2012 तक. तो लिहाजा पहले मैं इसकी अमोर्टाइजेशन देखूंगा कितनी है. तो इसकी अमोर्टाइजेशन बनती है 25.20, ये क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ गई टिल 2012. फिर 2013 की अमोर्टाइजेशन ये आज अभी निकाली है हमने, ये इसी में वर्किंग टू में ये लेस की, तो 7.20 मेरी वैल्यू आ गई. अब जरा देखें, ये कैरिंग अमाउंट तो आ चुकी है, अब मैंने इसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट है, और ये दोनों रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो अब इंपेयरमेंट का कहां होती है, ये मैंने पिछली स्लाइड में भी दोबारा भी लिखा था, अगेन मैं बता देता हूं. इफ कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, तब इंपेयरमेंट लॉस होगा. एक केस में देखो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो ज्यादा नहीं है, वो कम है, तो लिहाजा इसका मतलब ए में कोई इंपेयरमेंट नहीं हो रही. लेकिन बी के पॉइंट से देखें तो बी का जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो लिहाजा बी की आपकी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा और उसकी एंट्री मैंने आपके सामने कर दी. अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे. ओके, ये क्वेश्चन सारे रिपीट करने पड़ेंगे आपको. अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये एक्चुअली पहले जब ये IS-36 FR2 में था तो उस वक्त ये हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट जो है ये सिलेबस में होता था, अब आपके सिलेबस में नहीं है. लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने छोड़ देना, ये नहीं करना क्वेश्चन नंबर 6. अब आइएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो वेल, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं जी. एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड, ऑटम 2018, क्वेश्चन नंबर 5, और ये कैफ के पेपर में आया हुआ आपका FR2 में, उसके बाद ये FR1 के सिलेबस में आ गया था. और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देखिएगा, कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018, और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है.
यकीनन ये कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा जितने हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। हमें इसमें से आइडेंटिफाई करनी है कौन सी चीज लेनी है और कौन सी चीज नहीं लेनी। लेकिन प्लीज जब भी आपने इम्पेयरमेंट लॉस निकालना हो मुझे तीन चीजें चाहिए होती है, ये आपने हमेशा माइंड में रखना है। फर्स्ट इज द कैरिंग वैल्यू, फिर डाटा से देखेंगे कैसे निकलेगी कैरिंग वैल्यू। नंबर टू वैल्यू इन यूज, वो भी डाटा से देखेंगे कि वैल्यू इन यूज के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। और नंबर थ्री इज द NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर डिस्क्लोज्ड इन द ड्रॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2018। इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 610 million। देखो एक मसला तो हल हो गया, 30th जून की मैंने इंपेयरमेंट निकालनी है, नीचे देख सकते हो, और 30th जून की ही मुझे कैरिंग वैल्यू गिवन है, तो मुझे कैरिंग वैल्यू निकालने की जरूरत तो नहीं है, ये तो गिवन। अब रह गई दो चीजें, वैल्यू इन यूज और एनआरवी। सो लेट्स मूव। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट हैज बीन डिटेरियोरेटिंग सिंस लास्ट ईयर व्हिच इज अफेक्टिंग एपीएल सेल। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स रिलेट टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018। एक एक चीज देखते हैं, ये ऑब्वियसली वैल्यू इन यूज के लिए है। इनफ्लोस फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लांट, यानी इसी हालत में अगर मैं प्रोडक्ट को सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर मैं इसको सेल करता हूं तो ये कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो आपकी एनआरवी में जाएगी। ठीक है, उसके बाद नंबर टू ऑपरेशनल कॉस्ट, नहीं ये सेल ऑफ प्रोडक्ट है, इनफ्लोस फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी ये हमारी वैल्यू इन यूज में आएगी कैश इनफ्लो में। लेकिन फिर वो ये लिखते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो इनकर होगी तो ये भी वैल्यू इन यूज में से माइनस होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जरूर है लेकिन नॉन कैश है, वैल्यू इन यूज बेस करती है कैश पे, तो लिहाजा इसको नहीं लोगे। एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30th जून 2018 अक्रूअल, अक्रूअल भी नॉन कैश है, ये नहीं लोगे। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी, ये आप ऑपरेटिंग नहीं है, ये तो एनहांसमेंट में आ जाएगा, इसको नहीं लेंगे। नेट इनफ्लोस, नेट एडिशनल इनफ्लोस, नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अपग्रेड, तो अपग्रेडेशन जो है वो भी नहीं लेंगे, ये भी एबनॉर्मल है, यानी मीन एबनॉर्मल से मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल लेंगे, ये आपकी रेगुलर कॉस्ट है ऑन गोइंग। तो सिंपल याद रखना है इनकम स्टेटमेंट में सेल से लेकर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस तक सारे लेने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, तो उसके अलावा कुछ नहीं लेना। और इसी तरह टैक्स पेमेंट है ये भी नहीं लेंगे। तो यहां से मैं निकाल लूंगा कि एनुअल कैश फ्लो, ये सिर्फ कैश फ्लो है 2019 का ऊपर दिया हुआ, लेकिन आगे लिखता है इससे निचली लाइन में कैश फ्लोस फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड, यानी इसका मतलब कि अगले सालों में हर साल 15% कैश फ्लो डिक्रीज होता जाएगा। तो जब मैं एक कैश फ्लो निकाल लूंगा उसके बाद अगले कैश फ्लो निकालना प्रॉब्लम नहीं है, मैं 15% कम करता जाऊंगा। प्लांट रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 100 million। ये प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 years है, और 3 साल के बाद इसको 100 million में आप सेल कर सकते हैं, तो ये आखिरी साल में कैश इनफ्लो भी आएगा। एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर ₹570, बट APL has to incur the following cost। अब देखना है कि NRV के लिए कौन सी कॉस्ट लेनी है। कॉस्ट ऑफ डिलीवर टू द कस्टमर बिल्कुल लेंगे, लीगल कॉस्ट एब्सोल्युटली आएगी, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट, ये इसका कोई तलक नहीं है, डिस्पोजल ऑफ प्लांट के बाद का है, तो इसका NRV से तलक कोई नहीं है। तो एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट जो है वो क्वेश्चन में 9% दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट इट, मैं दोबारा शेयर करता हूं इसके साथ आपको बोर्ड, इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 9,
सेवन सर, क्वेश्चन नंबर सेवन, एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ कैलकुलेट करना है, और जब मैंने इंपेयरमेंट लॉस निकालना है तो सिंपल मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फाइव में भी लिखा, फोर में भी लिखा था, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कौन से साल का, फॉर द ईयर एंडेड, थर्टीएथ जून 2019, और अमाउंट हमें दी हुई है रुपीज इन मिलियन, वे दो कॉलम बना लेते हैं, रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन। तो पहले मैं इस फॉर्मेट को कंप्लीट करूंगा, उसमें जो वैल्यू गिवन है वो लिख भी सकता हूं। सबसे पहली चीज मुझे चाहिए कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू इज गिवन इन अ क्वेश्चन, कैरिंग वैल्यू दी हुई है 610 मिलियन, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं 610 मिलियन। अब मुझे दो चीजें चाहिए, वैल्यू इन यूज, यकीनन ये मैं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन ये इस कॉलम में आएगी, दूसरे कॉलम में, और उसके बाद कैलकुलेट करूंगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी सेकंड कॉलम में आएगी, कि दो वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी जब मेरी, इन दोनों वैल्यू में से जो आपकी हायर होगी वो मेरी यहाँ पर आ जाएगी, इसको मैं लिखूंगा रिकवरेबल अमाउंट, सेम फॉर्मेट मैं यूज कर रहा हूँ ताकि एक तरह का फॉर्मेट रहे, सिर्फ जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट आती है तो कॉलम्स बनाने होते हैं तो थोड़ा सा मैं चेंज लाता हूँ, और अब अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो मैं लिख दूंगा इंपेयरमेंट, अदरवाइज जीरो कर दूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट, अब मुझे कैलकुलेशन क्या करनी है, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू इन यूज, डेटा को सामने रखना है, वैल्यू इन यूज के लिए पहले मुझे 2019 का कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैश फ्लोस ऑफ 2019। अब इसमें हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ी, मैं दोबारा साथ साथ बोलता जाऊंगा, इनफ्लोस फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लांट, प्लांट की जैसी भी कंडीशन है उससे वो जितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 250 मिलियन का सेल्स जनरेट होगी। तो मैं पहले सेल्स ले रहा हूँ 250 मिलियन। इसके अगली लाइन में लिखा है ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, ये क्लियर लिखा हुआ है ऑपरेशनल कॉस्ट ये लोग है, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो नॉन कैश है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट उसने दी है हमें 25, ये हमारा कैश आउटफ्लो होता है तो ये इसमें से लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश है इसको नहीं लोगे। उसके बाद एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30th जून 2018 अक्रूअल, यानी 30th जून के एक्सपेंस अक्रूअल जो है वो आपने टू बी पेड, तो यकीनन ये अगले साल पे होंगे, तो ये 8 मिलियन है लेकिन चूंकि ये आपका ऑपरेशनल है इसको आप नहीं लोगे, अक्रूअल नॉन कैश कंसिडर होता है, इसको बिल्कुल नहीं लेना आपने, सिंपल आपने वो एक्सपेंसिस लेने हैं जो आपके उस साल में रिलेट करते हैं, उस साल में पे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं लेंगे। एडिशनल इनफ्लो नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपग्रेड, ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अब सिर्फ एक कॉस्ट रहेगी मेंटेनेंस कॉस्ट, और उसके बाद टैक्स है वो भी नहीं लोगे। मेंटेनेंस कॉस्ट हमें दी हुई है क्वेश्चन में आई थिंक 15, ये 15 लेस कर दो, ये मेरा कैश फ्लो आ गया 240। ये कैश फ्लो निकला है 2019 का। अब मैं वैल्यू यूज की वही टेबल बनाऊंगा जो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इयर्स लिखता हूं, क्योंकि उसने लिखा है लाइफ जो है ना वो एसेट की 3 साल है, उसमें लिखा हुआ क्लियरली द प्लांट रेसिडुअल वैल्यू ऑफ रिमेनिंग यूज बाय ये 240 कैसे आया सर? 210 आया, सॉरी वो 40 उसका टोटल है, 210 इसको, ठीक है वो 40 इसका टोटल था, 210 आपका आ गया कैश। अच्छा आप ये क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि प्लांट की जो लाइफ है ना वो 3 इयर्स है, उसके बाद 100 मिलियन में आप इसको सेल भी करेंगे, ये भी ज़हन में रखना है।
तो चले चलते हैं 3 साल, एक तो 2019 ईयर हो गया, एक 2020 ईयर हो जाएगा और एक 2021 ईयर हो जाएगा, बस ये 3 साल है। और अब मैं कैश फ्लो जब लिखूंगा तो केयरफुली देखिएगा कैसे लिखूं। कैश फ्लो 2019 का ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया 210 मिलियन। उसके बाद वो स्टेटमेंट लिख रहा है कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड, यानी 2020 से ये 15% डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, तो 210 का 85% हो जाएगा, ये 178.5। और उसके बाद 2021 का जरा देख लीजिएगा, इसका एक चीज और आनी है, तो अब इसका भी उसी तरह लूंगा मैं, पहले 178.5 का 85% पहले लूंगा क्योंकि ये भी 15% डिक्लाइन हो रहा है, और इसका 85% मैंने लिया तो 151.73। और फिर इसको आप सेल करोगे और 100 मिलियन का कैश फ्लो और जनरेट होगा, वो भी प्लस करोगे तो ये 251.73 आ जाए। आखिरी साल में, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, आखिरी साल में चूंकि डिस्पोजल होती है तो डिस्पोजल से भी कैश फ्लो जनरेट होता है, वो भी लोगे 251.73। ओके, ये कैश फ्लो आ गया। अब डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9%, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं 9% पर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 व्हिच इज इक्वल टू 0.917, फिर डिवाइड किया 1.09 पर तो ये आ गया 0.842। और अब इक्वल दबाया तो तीसरी वैल्यू मेरे पास आ गई 0.772। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालें, 210 इनटू 0.917 व्हिच इज 192.57। एक्सक्यूज मी सर, ये 251.73 वाला ये बता दें, 100 कैसे ऐड हुए? हाँ जी, ये क्वेश्चन में देखें ना, तो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दोबारा रीड कर रहा हूँ, द प्लांट रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर इज एस्टिमेटेड एट 10 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन, ये 100 मिलियन वो है जो रेजिडुअल वैल्यू हमें मिलेगी, ऐसा 3 साल यूज करके बेच देंगे ना तो 100 मिलियन हमें फर्दर जनरेट होगा। इसी तरह 178.5 इंटू 0.842 हमारे पास आ जाएगा 150.30, और तीसरा आएगा 251.73 इंटू 0.772 दैट इज 194.34। अब इनको प्लस कर लें, आ रहा है 537.21। तो ये मेरे पास आ गई जी वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज यहां ले आते हैं 537.21। और एनआरवी बहुत आसान है, वो मैं क्वेश्चन से देख के ही बता देता हूँ, वो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक ऑफर आई है कि आप प्लांट को बेच दें तो 570 में बेच सकते हैं आप, उसमें 45 और 10 की कॉस्ट आएगी 55 की, तो 570 में से अगर आप लेस कर दो 45 और 10 दो कॉस्ट, तो 55 लेस हुआ तो 515 आ गया, तो 515 मेरी एनआरवी हो गई। अब इनमें से जो हायर है वो 537.21 है, और यकीनी बात है कि अब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो ये 72.79 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज इंपेयरमेंट लॉस बिकॉज द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। और अब मेरी क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, तो ये मैंने आज आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, जरा इसको रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आपकी बुक के क्वेश्चन भी थोड़े से डिस्कस करेंगे और फिर अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।